जय भारत दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद मेमन और स्वागत करता हूं आपका इंडियननेस के आज के इस एपिसोड में। इंडियननेस, भारतीयता, हिंदुस्तानियत, इसके बहुत सारे एपिसोड्स हमने पहले किए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों जब कोविड लॉकडाउन हुआ था उसके बाद बहुत बड़ा गैप आ गया था उसमें कि हम आपसे रेगुलर टच में नहीं रहे हैं। मैं आज आपको फिर से याद दिलाने आया हूँ कि 15 अगस्त बहुत जल्दी नज़दीक आ रहा है और हमारी जो मुहिम पिछले 7 साल से चल रही है, मेरी छत पे तिरंगा रहने दे, वो मुहिम अब एक बहुत बड़ी मुहिम बन गई है। मैं जानकर के बहुत खुशी हुई कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक नया कदम लिया है, जिसमें वो हर घर तिरंगा लहराने के लिए सरकार की तरफ से तिरंगा मुहैया कराने का प्लान बना रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश जो हमने 7 साल पहले की थी, जिसमें आप जैसे बहुत लोग हमसे जुड़े रहे और हम हर बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपनी घरों में अपनी छतों पर झंडा वंदन करते रहे हैं, अब वो मुहिम हर घर पहुंच रही है। ये बहुत खुशी की बात है कि एक छोटा सा बीज जो हम लोगों ने मिलकर बोया था, वो बीज अब एक बहुत बड़ा पेड़ बन करके बाहर आ रहा है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी शिद्दत और पूरे दिल से हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस ज़रूरत को समझा कि हम सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, पूरे देश को देशभक्ति के एक सूत्र में बांधने के लिए, ये एक जो तिरंगा जो हमारी पहचान रही है, उस पहचान को अब हम हर घर तक कैसे पहुंचाएं और एक साथ हम जुड़ करके कैसे इस तरक्की में और इस मोहब्बत, मुल्क के मोहब्बत में आगे बढ़ें। लेकिन हमारी इस पूरी कोशिश के बीच में जो हमें हमेशा जो समस्या रही है या हमारा जो एक स्टैंड रहा है कि सिर्फ तिरंगा लहराना हमारे लिए देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति वो है जिसमें हम अपनी कानून का पालन करें, अपने आसपास लोगों की मदद करें, पूरे देश की ओवरऑल तरक्की में हम अपना क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कितना उसमें साथ दे सकते हैं। क्योंकि हम ये सिर्फ उम्मीद करके बैठे हैं कि सरकार हमारे लिए सारा काम करेगी, तो ये संभव नहीं है कि कभी भी ये देश तरक्की कर पाएगा। हम सबको मिलकर के अपने देश के लिए काम करना है और उसके लिए सबसे बड़ा जो पिन पॉइंट होता है वो कानूनों की कानून का माना, कानून का उल्लंघन नहीं करना, चाहे वो कानून टैक्स के लेकर हो या वो कानून सड़क पे चलने को लेकर के हो, सिग्नल तोड़ने को लेकर के हो, ब्राइबरी को लेकर के हो, रिश्वतखोरी, हर किस्म का कानून, मतलब पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों से गुजरते हैं जिसका हम ध्यान नहीं देते, जिसका हम लोग ये तो चलता है करके चलता है एटीट्यूड में हम निकल जाते हैं। इस देश को अगर वाकई में दुनिया का सबसे बेहतरीन देश जो बनाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर के भागीदारी करनी पड़ेगी। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ अपने उन सभी साथियों का जो पिछले 7 साल से हमारे साथ जुड़े हैं मेरी छत पे तिरंगा वाली मुहिम में, और अब वो घर घर तिरंगा के रूप में सबके पास पहुँच रहा है। हमारे लिए वो इमोशन है, हमारे लिए वो हमेशा मेरी छत पे तिरंगा ही रहेगा। लेकिन मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस मुहिम को उन्होंने समझा और इस सीरियसनेस को लेकर के इस झंडे की खूबसूरती को लेकर हर घर तक पहुंचाने का ये जो काम शुरू किया है। मैं सब चाहता हूं कि हम सब इसमें पूरा हिस्सा लें। हमारी मेरी छत पे तिरंगा रहने दे की मुहिम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि हम अपने धर्म स्थलों पर भी झंडा लगाएं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जहाँ पर भी हो हम वहाँ भी झंडा वंदन करें। और क्योंकि ये अभी तक शायद मैं एज इंडिविजुअल या हमारे कुछ साथी मिलके कर रहे थे, तो इस आवाज़ में शायद उतनी शक्ति नहीं थी, पर ये आवाज़ में अब प्रधानमंत्री जी की आवाज़ भी जुड़ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग से घर के अलावा अपने धर्म स्थानों पर भी झंडा वंदन का प्रोग्राम करें, ताकि ये जो देशभक्ति जो है ना, हमारा धर्म बन जाए। ये देशभक्ति सिर्फ एक दिखावा रह कर न जाए कि मैंने झंडा लगा लिया और मैंने देशभक्ति कर ली। मैं आप जो हमारे जितने पुराने साथी जुड़े हुए हैं उनका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं और लोगों में ये जागृति फैलाएं कि हर घर तिरंगा, हर छत पे तिरंगा लहराता रहे। धन्यवाद, साधुवाद।